हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक गणेश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से बना पाएंगे। दोस्तों, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड बहुत ही बेस्ट कार्ड है, जहां से आप ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हैं। आपको इस कार्ड में 2 लाख रुपए तक का लिमिट मिल सकता है। तो कैसे आपको इंस्टेंट बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड मिलेगा और कार्ड को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्फ ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही इस पेज पे आएंगे आपको कुछ इस प्रकार पेज का इंटरफेस दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया यू कैन हैव ए कार्ड लिमिट अप टू 2 लाख। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का लिमिट मिल सकता है। तो दोस्तों, कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अब ऑप्शन दिख रहा है गेट इट नाउ का नीचे। तो आप गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं आपको लोकेशन का एक्सेस अलाउ कर देना है। अब ये आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजेगा और ओटीपी आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब आपके सामने इस प्रकार फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना फुल नेम पहले एंटर करना है। आप अपना पूरा नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। आपको कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने कैलेंडर आ चुका है। यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद आपको अपना पिन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अब पिन नंबर डालने के बाद आपको अपना पिन कोड एरिया का जो आपका पोस्ट पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड है, अगर आप जॉब होल्डर है तो सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद का या फिर अदर काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। इसके बाद आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप महिला है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है। आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट आपको अपना क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाएगा। आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं योर इंस्टा ईएमआई कार्ड अप्रूव्ड लिमिट। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 75,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। आपको नीचे अपना बजाज फिनसर्फ कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपना कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट, आपका नेम रहेगा, क्रिएट डेट रहेगा और वैलिड डेट रहेगा। अब दोस्तों, इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए और कार्ड को लेने के लिए आप प्रोसीड ऑप्शन देख पा रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है 6 डिजिट का और शेयर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 4 डिजिट का। इसके बाद आपको ओटीपी डाल देने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे आप आधार ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपका टोटली डिटेल ये आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं यहाँ पे अपना डिटेल ढका के रखा हूँ, तो आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। तो इसके बाद आपको अपना डिटेल देख लेना है। दोस्तों, आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप दोस्तों, ये आपको पेमेंट पेज पे लेके आएगा। तो इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम 567 रुपये इसका फीस जो है वो आपको पे करनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 567 रुपये अमाउंट शो हो रहा है और पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप सिंपल पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आपको यूपीआई का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी पेमेंट मेथड को चूज करके 567 रुपये आपको पे कर देना है। जैसे पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिल जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट नाउ का। तो कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपल एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद, जैसे आप एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना होगा। आप अपना बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे।
तो आपका बैंक अकाउंट बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के साथ मैंडेट कर दिया जाएगा। यानी जो भी प्रोडक्ट आप ईएमआई पर खरीदेंगे उसकी जो मंथली ईएमआई होगी वो डायरेक्ट आपके उसी बैंक अकाउंट से कट होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस दिखा दिया है, आपको सिर्फ एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट डिटेल को फिल करके सबमिट कर देना है, आपका बजाज फिनसर्व कार्ड इंस्टेंट एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड बन चुका है, साथ ही कार्ड आपका एक्टिवेट भी हो चुका है। अब दोस्तों कार्ड को मैनेज करने के लिए, कार्ड डिटेल्स देखने के लिए या फिर कार्ड का स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आप अपने कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आप जिस मोबाइल नंबर से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड बनाए हैं उसी मोबाइल नंबर को डालेंगे, उसमें ओटीपी जाएगा और ओटीपी डाल के जैसे सबमिट करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और आपको इस एप्लीकेशन में अपना सारा कार्ड का डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है कि कैसे आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से बनाना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।